हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर आजम ऐसा ना हो कि 2 मई को बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी के असेंबली के इंतखाबात के नतीजे जैसा आएंगे, वजीर आजम 3 तारीख को 8 बजे आके बोलेंगे भाइयों बहनों लॉकडाउन। यानी बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में, पुडुचेरी में वजीर आजम भी जाकर इलेक्शन की रैलियों से मुखातिब हो रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, मगर यह बड़ा ही धोखा होगा अगर 2 मई के बाद बीजेपी ये फैसला करेगी चलो अब इलेक्शन हो गया अब लॉकडाउन कर देंगे। ये गलत होगा, ये गरीब बर्बाद हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया था मार्च 2020 में, उसकी वजह से 10 करोड़ गरीबों की नौकरियां चले गई, 10 करोड़, और करीब 25 से 30 लाख के दरमियान लोगों की जो व्हाइट कॉलर काम करते थे उनकी तनख्वाहें कम हो गई, लोग मर गए उसमें। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि जो गलती नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मार्च में की थी वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। हाँ, आपने कर्फ्यू लगाया, हम सबको उस पर अमल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मगर लॉकडाउन कोविड से मुकाबला करने का कोई सही तरीका नहीं है।